पिछले वीडियोस में हमने देखा एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं कि ये एक्सियल और इक्विटोरियल पर नहीं हो, पॉइंट कहीं पर भी हो, जनरल कहीं पर भी डायपोल के आसपास किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट एनी पोजीशन। तो हम उन दोनों फार्मूलों का यूज करके ये फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम वो देखते हैं कि पॉइंट कहीं भी हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू डायपोल। तो लेट पॉइंट बी सी एट आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ बट इट इज नॉट एट एक्सिस ऑन इक्वेटर एनीवेयर। तो अब एनीवेयर में कहां है तो उसको हम पोजीशन वेक्टर से शो करेंगे कि इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर आर है और इस आर वेक्टर ने वेक्टर पी के साथ एंगल थीटा बना रखा है। तो इस वेक्टर पी और वेक्टर आर के बीच में थीटा एंगल है। वेक्टर आर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब ये करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डायपोल है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट जो वेक्टर आर की डायरेक्शन में होगा और पी का एक कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये दोनों कंपोनेंट होंगे अपने पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। अब देखो ये जो पॉइंट सी है ये एक ये डायपोल दो ये क्या होगा ये दो डायपोल हो जाएंगे जैसे पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा, एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट है पी साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर के हुए हैं। और ये जो पी जो अपना मेन डायपोल है ये पी क्या होगा ये पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा का रिजल्टेंट है। तो हमने एक डायपोल को रिजोल्व कर दिया दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इन दोनों डायपोल से लेने से हमको फायदा ये हुआ कि एक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर है वो पॉइंट और एक के इक्विटोरियल पोजीशन पर है। तो अब हम उन दोनों के लिए हम एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन के फार्मूले लगाते हैं। एक्सियल पोजीशन में किसी डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट पी हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू के इंटू टू पी अपॉन आर क्यू। अब यहाँ हमारा डायपोल का डायपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा जिसके एक्सिस पर पॉइंट सी है। तो इस डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ईवन है जिसकी डायरेक्शन इसके डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा की डायरेक्शन में होगी मीन्स वेक्टर आर की डायरेक्शन में होगी ईवन। तो ईवन बन जाएगा ईवन इज इक्वल टू के इंटू टू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। पर पी कॉस थीटा इसलिए कि डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है तो पी के प्लस पर हम पी कॉस थीटा रखेंगे। अब सिमिलरली जो डायपोल मोमेंट है पी साइन थीटा इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर है पॉइंट सी तो इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सपोज ई टू। ई टू की डायरेक्शन होगी पी साइन थीटा के अपोजिट और इवन के परपेंडिकुलर। हमको पता है कि डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसलिए यहाँ पी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन होगा ई टू और ई टू का मैग्नीट्यूड होगा के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपने मेन डायपोल मोमेंट पी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब हम ई वन और ई टू का रिजल्टेंट निकालते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो यहां जो पैरेललोग्राम बनेगा वो बन जाएगा ना एक रेक्टेंगल। तो इसका रिजल्टेंट है ई, इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो यहां ई वन और ई टू एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई इज इक्वल टू अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। अब हम ई वन और ई टू की वैल्यूज रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर इसके स्क्वायर करके वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट में के स्क्वायर 4 पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर टू द पावर 6 प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर टू द पावर 6। अब यहाँ जो कॉमन है उनको बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट से भी बाहर निकाल लेंगे तो ये बचेगा ए इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक आइडेंटिटी लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करने के बाद हमको मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा।
बट अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसको डायरेक्शन को हम बताएंगे कि ये वेक्टर आर जो कि ईवन की डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट सी का, उसके साथ वेक्टर ई अल्फा एंगल बनाता है, तो इस अल्फा को फाइंड करेंगे हम टेन के फॉर्म में। तो हम यहाँ टेन अल्फा फाइंड कर सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब होल अपॉन के इंटू टू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, जो कैंसिल हो रहे हैं उन सबको कैंसिल करने के बाद बचेगा टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू टेन थीटा। तो इस तरह से ये एंगल होगा वेक्टर ई का वेक्टर आर के साथ में टेन के फॉर्म में। तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी।